दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके YouTube चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले पैरामेडिकल डेंटल पैरामेडिकल ये दोनों जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर देगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से डॉक्टर बने, नर्स बने या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहो। साथ ही साथ जितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार पैरामेडिकल का फॉर्म भर चुके हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमने पैरामेडिकल का फॉर्म भर दिया, हमें पैरामेडिकल का तैयारी करना है, तो उनके लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, उपचयन को रोकने वाली पदार्थों को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है रोकने के लिए दोस्तों? उपचयन। तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिऑक्सी कारक। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें डेली ही ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, उपचयन अपचयन का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं श्वसन को। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। पांच नंबर प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? किस यौगिक का प्रयोग होता है? AgBr का प्रयोग होता है दोस्तों, AgBr। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, मैग्नीशियम का वायु में जलना है? मैग्नीशियम का वायु में जलना है, क्या कारण है? ऑक्सीकरण है। आगे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। NH4Cl का जल में विलयन बनना, NH4Cl के जल में विलयन बनना। दोस्तों आप सभी बता देते हैं कि आप जितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि पैरामेडिकल का फॉर्म भर चुके हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हम पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, आप डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करते आइए, तो हम डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करते आएंगे और बहुत जल्दी आप सभी के लिए टेस्ट भी लेंगे। आठवां प्रश्न है, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाने पर बनता है? क्या है दोस्तों? जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाने पर बनता है, क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। नौवां प्रश्न, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? संतुलन किस आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। चलिए दसवां प्रश्न, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त कर देते हैं ताकि उसमें उपचयन ना हो सके? आप सभी को पता है दोस्तों, लेज वगैरह खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, टेढ़ा पर मेरा, लेकिन ये सब जो उसमें गैस भरी होती है, कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। बारहवां प्रश्न, संरक्षण के तांबे पर किस प्रकार की रंग चढ़ जाती है? किस प्रकार की रंग चढ़ जाती है? हरी रंग की परत चढ़ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तेरह नंबर प्रश्न है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस मिलाई जाती है? चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस मिलाई जाती है? दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो नाइट्रोजन, यहाँ मिलाई जाती है, तो वो भी क्या है? नाइट्रोजन ही होगा राइट आंसर। चौदह नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है आपका, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अपकृत होता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसमें एक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत और दूसरा अपकृत। वो हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। सोलह नंबर प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। क्या होता है? दो आयनों का अदला बदली करते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। सत्रहवां प्रश्न, अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? रासायनिक समीकरण नाम दिया जाता है। अठारहवां प्रश्न, आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? समीकरण को क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण कहते हैं।
आगे देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? NO2 का जो रंग होता है, धुआं होता है, उसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न, लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? जंग की परत किस रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। आगे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, जब लोहे को खुला में रखा जाता है तो भूरे रंग का क्यों हो जाता है? जब लोहे को खुले खुले जगह में रखा जाता है तो आखिर वो भूरे रंग का क्यों हो जाता है? तो संक्षरण के कारण, किसके कारण? संक्षरण के कारण भूरे रंग का हो जाता है, संक्षारण के कारण, सॉरी। 23 नंबर प्रश्न है, संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। 24 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। 25वां प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। जिसमें क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। 26वां प्रश्न, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है? क्या होता है? दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों, आपको डेली अगर ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम आप सभी के बीच डेली न्यू से न्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करें, ताकि आप अपने एग्जाम निकाल सकें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।